हिंडौन स्थित पितृ पर्वत पर बने होली में अष्टधातु के पितृश्वर हनुमान मंदिर पर रविवार को बड़ी संख्या में शहर के लोग पहुंचे, जहां लोगों ने पितृश्वर हनुमान के दर्शन करने के साथ ही परिवार संग पिकनिक भी मनाई। पितृश्वर हनुमान के दर्शन करने सुबह से शाम तक भक्तों के आने का सिलसिला चलता रहा। भक्तों ने हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा के दर्शन किए, वहीं हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी किया। इस विशाल यात्रा की शुरुआत एरोड्रम रोड स्थित विद्याधाम से सुबह 11 बजे हुई। इस विशाल कलश यात्रा का स्वागत 7 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह विभिन्न संगठनों द्वारा मंच लगाकर पुष्प वर्षा कर किया गया, जिसके बाद कलश यात्रा पितृ पर्वत पर पहुंची, जिसके बाद पितृश्वर हनुमान की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही महामंडलेश्वर चिन्मयानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय अति रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है। इसके बाद समापन अवसर पर 3 मार्च को हजारों श्रद्धालुओं के लिए 10 स्थानों पर नगर भोज होगा। आयोजन स्थल पर 5 हाई मास्ट और पूरी पहाड़ी पर हरी लाइट लगाई गई है। आपको बता दें कि रविवार को विद्वान पंडितों द्वारा पितृश्वर हनुमान की पूजा अर्चना की गई। वहीं आयोजन समिति के राजा कोठारी ने बताया कि इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भाग लिया। विशाल हनुमान मूर्ति के बारे में बताते हुए कहा कि राम भक्त हनुमान की 66 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण ग्वालियर में 125 कारीगरों द्वारा किया गया। इसे 7 साल में 264 हिस्सों में बनाया गया। इन हिस्सों को जोड़ने में करीब 2 साल का समय लगा। मूर्ति का वजन 108 टन बताया जाता है। गदा की लंबाई 45 फीट है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।